अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लेके आए होंडा सिविक 2009 मॉडल का रिव्यू, जो कि 1.8 लीटर टर्बो इंजन के साथ है। और ये अभी आपको हम इंटीरियर इसका दिखाते हैं। जैसा कि आप इंटीरियर देख रहे हैं, बहुत ही साफ और क्लीन कंडीशन में इंटीरियर है इसका। ये सामने जो है एसी का पैनल है, और ये साइड डोर आप देख रहे हैं। ये इसका स्पीड मीटर है। अभी हम जो है आपको इसका इंजन स्टार्ट करके इसका स्पीड मीटर चेक करवाते हैं। देख रहे हैं अभी इसका हमने इंजन स्टार्ट किया है, ये स्पीड मीटर इसका ऑन हो गया है। अभी इसका जो एक डोर ओपन है, उसके साइड इंडिकेटर आ रहा है इसका डोर ओपन का। ये एक सीट बेल्ट का निशान है, और गाड़ी जो है पार्किंग मोड पे खड़ी है, इसलिए पार्किंग का भी ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो है ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है इसकी। ये देख रहे हैं आप सामने एसी का पैनल है। ये इसका डैशबोर्ड है, और जो है ये गाड़ी का सनरूफ है। अभी आप देख सकते हैं, अभी हमने इसको ओपन नहीं किया, अभी क्लोज कर देते हैं इसको। और ये आप देख रहे हैं इसके जो चार विंडोज जो हैं पावर विंडोज़ हैं, फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है। और मिरर्स पे जो है ब्लैक कलर की शीट लगी हुई है। बड़ी जो है ताई मुनासिब कीमत में गाड़ी है, 2009 मॉडल है, और 2010 की रजिस्ट्रेशन है इसकी। और ये अभी आप इंजन की हालत देख सकते हैं, इंजन भी काफ़ी अच्छा है, साफ है। वन पॉइंट एट सीसी टर्बो इंजन है। ये सामने क्रोम की ग्रिल है इसमें, और हेड लैम्प्स हैं, और फॉग लैम्प्स भी इसमें लगे हुए हैं। और ये साइड मिरर में जो है इंडिकेटर का ऑप्शन है। और ये बैक से आप देख सकते हैं डबल एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। अभी ये गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी जो है स्टार्ट हालत में खड़ी हुई है पार्किंग मोड पे। और ये जो है कंपनी फिटेड स्पीकर इसमें है। और अब अभी हम आपको इसका सनरूफ ओपन करके दिखाते हैं, बड़ा ही प्यारा लुक दे रहे हैं। अभी सनरूफ ओपन हो गया है, और अभी हम इसको बंद कर देते हैं। अभी सनरूफ जो है बंद हो गया है। एसी की कंडीशन जो है वो भी बड़ी अच्छी है, बड़ा ये अच्छा एसी जो इसमें चल रहा है। और ये जो है आपको मिल रहा है एफएम मोड है, एएम मोड है, और सीडी ऑक्स है। और इस साइड में जो है वॉल्यूम का बटन है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं।